आज हम प्रपोजिशन विथ का यूज़ सीखेंगे, तो देखते हैं हम किन किन कंडीशन में इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका फर्स्ट यूज़ होता है जब कोई कार्य किसी निर्जीव के द्वारा किया जाए, जैसे पेन, चाकू, पेचकस इत्यादि, इनके द्वारा यदि कोई कार्य किया जाए तब हम विथ का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, द लेटर वॉज रिटन विथ दिस पेन, पत्र लिखा गया इस पेन से। तो यहाँ पे हमने के द्वारा या से के सेंस में कोई कार्य निर्जीव के द्वारा किया गया, यहाँ हमने कार्य कैसे किया, पेन से। जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट या टूल का यूज़ करते हैं कोई कार्य करने के लिए, तो उस कंडीशन में हम विथ का यूज़ करते हैं। द लेटर वॉज रिटन विथ दिस पेन, पत्र लिखा गया इस पेन से। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही कट द मैंगो विथ ए नाइफ, उसने आम काटा विथ ए नाइफ, मतलब चाकू से। तो यहाँ हमने एक टूल का यूज़ करके कोई काम निकाला है, तो ऐसी कंडीशन में हम विथ का यूज़ करते हैं। इसका नेक्स्ट यूज़ है, के साथ के अर्थ में भी विथ का प्रयोग किया जाता है। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही इज़ विथ मी, वह मेरे साथ है। तो के साथ के अर्थ में हमने विथ का यूज़ किया। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया विथ हिज फ्रेंड, उसके दोस्त के साथ। तो के साथ के अर्थ में हमने यहाँ पे विथ का यूज़ किया। इसका नेक्स्ट यूज़ है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति लड़ें, बहस करें या प्रतियोगिता करें, तब भी हम विथ का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, यू आर आर्गुइंग विथ मी, तुम मुझसे बहस कर रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस है, दे वर क्वारलिंग विथ ईच अदर, वे झगड़ा कर रहे थे एक दूसरे से। तो यहाँ हमने बहस करने के लिए या झगड़ा करने के लिए या प्रतियोगिता करने के लिए ऐसी कंडीशन में भी हम विथ का यूज़ करते हैं। इसका नेक्स्ट यूज़ है, जब कोई व्यक्ति या वस्तु हवा, पानी, बहाव आदि की दिशा में चले। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, ही वाज स्विमिंग विद द वेव्स, वह लहरों के साथ तैर रहा था। तो उनकी दिशा में तैर रहा था, तब हमने विथ का यूज़ किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द बोट ड्रिफ्टेड विद द टाइड, बोट बह गई टाइड के साथ, मतलब ज्वार के साथ। तो यहाँ उसकी दिशा में बही है, इसलिए हमने विथ का यूज़ किया। इसका नेक्स्ट यूज़ है, किसी दूसरी वस्तु को भरें या कवर करें, तो से के अर्थ में हम विथ का प्रयोग करते हैं। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, हिज आइज फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी आंखें भर गई आंसुओं से। नेक्स्ट सेंटेंस है, द बिल्डिंग इज डेकोरेटेड विथ ब्राइट बैनर्स, बिल्डिंग को सजाया गया है विथ ब्राइट बैनर्स, मतलब चमकीले बैनरों से। तो यहाँ हम देखते हैं कि किसी चीज को ढकने, भरने या कवर करने के लिए भी हम विथ का यूज करते हैं। इसका नेक्स्ट यूज है, विथ का प्रयोग से के अर्थ में कारण बताने के लिए भी किया जाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, ए यंग मैन वाज ट्रेम्बलिंग विथ फियर, एक जवान आदमी कांप रहा था डर से। तो यहाँ हमने देखते हैं, तो एक कारण बताया गया डर से, कांप रहा था डर से, तो एक कारण बताया गया, तो कारण बताने के लिए भी हम विथ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, हर आइज आर रेड विथ टीयर्स, उसकी आंखें लाल हैं विथ टीयर्स, मतलब आंसुओं से या आंसुओं के कारण। तो यहाँ एक कारण बताया जा रहा है, तो कारण बताने के लिए भी हम विथ का यूज़ करते हैं। इसका नेक्स्ट यूज़ है, के रहते हुए के बावजूद के अर्थ में भी विथ का प्रयोग किया जाता है। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, विथ ऑल हिज वेल्थ, उसकी सभी संपत्ति के बावजूद ही इज़ अनहैप्पी, वह अनहैप्पी है, नाखुश है, मतलब उसके पास सब पैसा है फिर भी वह नाखुश है। तो यहाँ हम देख रहे हैं के रहते हुए या के बावजूद के अर्थ में विथ का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, विथ ऑल हिज बैड हैबिट्स, उसकी गलत आदतों के बावजूद ही इज़ ए गुड मैन, वह एक अच्छा आदमी है। तो के रहते हुए के बावजूद के अर्थ में भी विथ का प्रयोग किया जाता है। इसका नेक्स्ट यूज है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की शारीरिक या चारित्रिक
विशेषताएं बताई जाएं तो भी हम विद का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, आई सा एन ओल्ड मैन, मैंने एक बूढ़ा आदमी देखा विथ ए बियर्ड जिसकी दाढ़ी थी। तो विथ ए बियर्ड एक शारीरिक विशेषता बताई गई। तो यहाँ शारीरिक विशेषता या चारित्रिक विशेषता बताने के लिए भी हम विथ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यूज़ है ए गर्ल विथ ब्लू आइज, एक लड़की जिसकी नीली आँखें हैं, लीड्स इन हिज क्लास, पढ़ती है उसकी क्लास में। तो यहाँ पे हमने क्या एक लड़की की विशेषता बताई कि उसकी ब्लू आइज है। तो हम यह शारीरिक या चारित्रिक विशेषताएं बताते हैं तब भी हम विथ का यूज़ करते हैं। इसका नेक्स्ट यूज है किसी प्रकार का हाव भाव दर्शाते हुए कोई कार्य किया जाए तब भी हम विथ का प्रयोग करते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है ही ग्रीटेड मी विथ ए स्माइल, उसने मेरा अभिवादन किया विथ ए स्माइल, मतलब मुस्कुराते हुए या स्माइल के साथ, मुस्कुराहट के साथ। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो हाव भाव दर्शाते हुए कोई कार्य करते हैं तो भी हम विथ का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है सी वाज सिंगिंग विथ जॉय, वह गा रही थी मजे से, तो मजे से या मजे के साथ। तो हाव भाव दर्शाते हुए कोई कार्य करते हैं तब हम विथ का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है नेक्स्ट इसका यूज है बॉडी पार्ट के साथ भी हम विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है आई कुक्ड दिस फूड, मैंने यह खाना बनाया या पकाया फॉर यू, तुम्हारे लिए विथ माई हैंड्स, अपने हाथों से। तो एक बॉडी पार्ट का यूज करके हमने कोई कार्य किया तो हमने विथ का यूज किया। नेक्स्ट सेंटेंस है वी हेयर विथ आवर ईयर्स, हम सुनते हैं विथ आवर ईयर्स, अपने कानों से। तो यहाँ हमने बॉडी पार्ट के साथ विथ का यूज किया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।